क्वेश्चन है, एक ट्यूब है, दोनों साइड से ओपन है, तो ओपन है यार पानी, फिर तो लीक होके बाहर निकल जाएगा, सिंपल है, निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको व्हील्स के ऊपर रख दिया और व्हील रोल कर रहे हैं, व्हील्स रोल कर रहे हैं और रोल कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अब वो इतनी तेज एक्सेलरेट कर रहा है कि पानी बाहर निकल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स कहां लग रही है, बैकवर्ड। तो जो डायग्राम है ऐसे ही है, और लेवल ऑफ वाटर कितना, हाइट कितना हो गया इसमें, कैपिटल एच गिवन है। क्वेश्चन में निकालना है कि बताओ कितनी एक्सेलेरेशन से इसे मूव करवाएं ट्यूब को, ट्यूब की एक्सेलेरेशन या चलो व्हील्स की एक्सेलेरेशन क्या होगी, व्हील्स का ए बताओ क्या होगा, ताकि पानी बाहर ना निकले और हाइट क्या रहे, कैपिटल एच। अब रूल नंबर वन, रोटेशनल मोशन याद है, रोटेशनल मोशन में जब कोई बॉडी रोल करती थी, रोल, तो उसकी अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन अगर ए है तो टॉप की एक्सेलेरेशन क्या होती थी, टू ए। तो सेम रूल है, तो अगर व्हील्स की एक्सेलेरेशन इसमें ए है तो इस ट्यूब की एक्सेलेरेशन क्या होगी, टू ए, उसको फिसलती जा रही है टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। तो रोलिंग के में क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलेरेशन क्या होती है, टू ए। ठीक, आगे अब मुझे पता है ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस कैपिटल एच रो जी, और ए पॉइंट का प्रेशर मैं हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे लेंथ गिवन है, तो यहां पर भी क्या एक्ट कर रहा है, एटमोस्फेयर, और ये पॉइंट ए है, तो मुझे पता है कि ए पॉइंट और एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू क्या, एल रो जी, एल इंटू डेंसिटी इंटू कितना, टू ए, क्योंकि ट्यूब की एक्सेलेरेशन क्या है, टू ए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर पी एटमोस्फेयर माइनस पी ए माइनस पी एटमोस्फेयर इज इक्वल टू एल इंटू रो इंटू टू ए। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंने पी ए निकाल दिया, अब पी ए मैंने वर्टिकल से भी निकाल दिया, पी ए मैंने हॉरिजॉन्टल से भी निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर लिया, एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर प्रेशर कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया, ए आ गया आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक। ये किया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी किया हुआ है मेथड टू से, मेथड वन से जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्शन करना, इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रेशर नहीं है, इस क्वेश्चन में ये फोर्स है। फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू फोर्स एट बेस, ये फोर्स है। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें हाइट ऑफ लिक्विड क्या है, h, और रेडियस क्या है, r, तो ये पाई आर स्क्वायर है। आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या निकालना है, हाइट h निकालनी है, ताकि फोर्स कंटेनर की वॉल्स पे और बेस पे सेम रहे। देखो बेस के ऊपर तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं, बेस का एरिया बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर, और बेस पे प्रेशर क्या लग रहा है, लिक्विड का, एच रो जी, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिक्विड की वजह से, इसमें एटमोस्फेयर लेना नहीं है क्योंकि उसने कहा फोर्स लिक्विड की वजह से सेम है, तो लिक्विड की वजह से प्रेशर एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये फोर्स आ गई बेस पे। अब प्रॉब्लम है वॉल्स की, वॉल्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, वॉल्स में इस पॉइंट का प्रेशर एच रो जी, इस पॉइंट का प्रेशर जीरो लिक्विड का, और यहां पर एच वन रो जी, एच टू रो जी, एच थ्री रो जी, क्योंकि हाइट की वैल्यू क्या हो रही है हर पॉइंट की, चेंज, तो प्रेशर की वैल्यू भी दीवार पे क्या हो रही है, चेंज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हर पॉइंट का प्रेशर तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो मैं एवरेज प्रेशर निकाल लूंगा। तो एवरेज प्रेशर अगर दीवार पे निकालना है, उसका पहला एक शॉर्टकट है, पहला शॉर्टकट है, लेकिन एक्चुअल मेथड बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टकट ये है कि पानी की वजह से यहां का प्रेशर क्या होगा, जीरो, एच रो जी में एच जीरो, और पानी की वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी। तो एवरेज प्रेशर होगा एच रो जी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू, एच रो जी बाय टू। तो एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर वॉल्स के ऊपर, किसी भी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, एच रो जी डिवाइडेड बाय टू। ये एक्चुअल मेथड बिल्कुल भी नहीं है, और ये करेक्ट मेथड भी बिल्कुल नहीं है, पर आंसर इसका सही आता है, इसलिए लिखवा दिया। एक्चुअल मेथड इंटीग्रेशन ही है, क्यों, क्योंकि प्रेशर हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, चेंज, कोई तरीका नहीं है, पर इंटीग्रेशन का मेथड लंबा है, इस वजह से हम ये मेथड भी फॉलो, काफी बुक्स लिखती है मेथड, पर एक्चुअल मेथड ये नहीं है। तो आपको एक्चुअल मेथड बता देता हूं, आप करें ना करें आपकी मर्जी है। हाँ, लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है, करने की जरूरत क्या है, हो तो गया है, एवरेज प्रेशर एच रो जी बाय टू, तो आंसर आ तो गया कि ये दीवार का प्रेशर है, वॉल्स का प्रेशर, और वॉल का एरिया कितना है, टू पाई आर एच। तो फोर्स आ गई, फोर्स वॉल पे, फोर्स बेस पे, एग्जैक्टली सेम है, सॉल्व करके निकाल लेना, क्या निकालना है, एच निकालना है, एच आ जाएगा।
तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस कैलकुलेशन को करना है, लेकिन अब ये बता देता हूं कि एवरेज प्रेशर निकला कैसे। ऑप्शनल है तो एवरेज प्रेशर में मान लो आपके पास एक कंटेनर है, एक काम करो कंटेनर ना या सिलेंड्रिकल मत लो, क्यूबॉइड टाइप लो, क्यूबॉइड टाइप कंटेनर है, इसकी साइड वॉल आपको बिल्कुल सीधी दिखेगी। आप एक स्ट्रिप लो, एक पट्टी लो, यहां पर स्ट्रिप लो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और ये डिस्टेंस लो डी एक्स, ठीक। तो पहले आप फोर्स निकालो बस इस स्ट्रिप पे, फिर आप टोटल फोर्स निकालो पूरी इस वॉल पे, तो एवरेज प्रेशर क्या होगा, टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया। तो टोटल फोर्स के लिए पहले स्मॉल फोर्स निकलेगी, स्मॉल फोर्स कैसे निकलेगी, एक्स डिस्टेंस पे आपने ये स्ट्रिप ली, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, एक्स रोजी, एक्स रोजी, और ये एरिया क्या होगा छोटा सा इसमें, इसकी विड्थ अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ये रहा। तो स्मॉल फोर्स आ गई, टोटल फोर्स के लिए क्या करेंगे, एक्स के लिए पहली स्ट्रिप यहां पर होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो, और आखिरी स्ट्रिप एक्स की वैल्यू कितनी, एच, तो जीरो से एच इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फोर्स आएगी, टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स को टोटल एरिया, एरिया कितना है, एरिया इस पूरी दीवार का कितना मिलेगा आपको, पूरी वॉल का एरिया मिलेगा एच इंटू डब्ल्यू, तो टोटल फोर्स को एच इंटू डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा जो शॉर्टकट में आया। हाँ वैसे मैंने तरीका बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, पर मेरे ख्याल से पहला मेथड सफिशियंट है, एच रोजी बाई टू सिंपल है। देखो अगर टेक्निकली पूछो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तो यही मेथड है। हाँ अगर आप कहोगे मेरे को क्वेश्चन ठीक करना है बस यार, तो एच रोजी बाई टू ठीक है यार, क्वेश्चन याद ही हो गया अब तक, तो इतना तो अब कौन ही करेगा बैठ के, आंसर नहीं आते हैं, नहीं इसमें आता है सेम, हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगा। मैं कल को कोई एवरेज, अब कल को कोई तुम कहोगे मुझे गाड़ी चलानी है, वेलोसिटी v1 है, फाइनल v2 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v1 प्लस v2 बाय 2, नहीं हमने काइनेमेटिक्स किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसमें नहीं आते थे, इसमें आते हैं तो इसमें शॉर्टकट बन गया, इसमें नहीं आते उसमें नहीं बनेगा। अगर आपको किसी लिमिटेड वॉल का अगर प्रेशर निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी, तभी सिखाया मैंने, मेडिकल को तो जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी वालों को जरूरत नहीं है इस मेथड की, स्कूल लेवल नहीं, मेडिकल भी नहीं, नॉन मेडिकल वालों को क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी वॉल ना देखते हुए वो 10 मीटर वॉल दे दे 5 मीटर, तो हाइट 0 से 5 लगानी पड़ेगी, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। एक क्वेश्चन है, एक बॉल है, एक बॉल पानी की डेप्थ में एच डिस्टेंस पे है, मैं इस बॉल को सरफेस पे ले आया, अब रूल नंबर वन, जब मैं एच डिस्टेंस पे था तो प्रेशर कितना था बॉल के ऊपर, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, और जब मैं यहां पर आ गया सरफेस के ऊपर तो प्रेशर कितना आ गया, पी एटमोस्फेयर, और जब मैं नीचे से ऊपर आया तो एरिया चेंज हो गया, यार एरिया क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पानी के या लिक्विड के नीचे जाओगे तो प्रेशर लगेगा तो एरिया कम होगा, ऊपर आने हुए प्रेशर कम हो गया, ऊपर आते हुए जब प्रेशर कम हो गया तो एरिया बढ़ गया, सही है। वॉल्यूम के साथ भी ऐसे ही है, जितना कम प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया कितना बढ़ गया, A2 इज 4 टाइम्स A1, 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया, तो आपको निकालना है कि हाइट की वैल्यू क्या है, और गिवन टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर सेम है राइट। तो जब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर गैस के ऊपर भी लगती है वैसे इक्वेशन, पर यहाँ पर तो वैसे लगी रही है, क्योंकि जहाँ प्रेशर ज्यादा है वहाँ वॉल्यूम कम है, और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉल नीचे है P1V1, बॉल ऊपर है P2V2, ये बराबर रहेगा बिकॉज टेम्परेचर सेम है। तो इसमें काम करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें ना एरिया के रिलेशन गिवन है, वॉल्यूम के नहीं गिवन, पर इक्वेशन वॉल्यूम की है, वॉल्यूम बॉल का क्या है 4/3πr³, और एरिया क्या है बॉल का 4πr², तो यहां से r² निकाल लो, अंडर रूट लेके r निकाल लो, इस r को यहां पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, इसका होल क्यूब बन जाएगा। तो ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में वॉल्यूम पुट करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो यहां से a^2 का क्यूब क्या होगा 3/2, और यहां पर भी 3/2, तो वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो प्रेशर बॉटम पे कितना है एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, और एरिया कितना है A1, तो इस पूरे वॉल्यूम V1 को एरिया A1 पुट करके पूरा का पूरा वॉल्यूम पुट कर दिया। ऐसी प्रेशर P2 एटमोस्फेरिक प्रेशर है सरफेस के ऊपर, और वॉल्यूम में A की जगह क्या पुट करेंगे A2, तो ये डिनोमिनेटर कैंसल, यहां से 4/3π कैंसल, सॉल्व करके ये टर्म आ गई। इस टर्म में A1 को तो A1, और A2 की जगह क्या पुट करेंगे 4 टाइम्स A1 जो क्वेश्चन में गिवन है,
तो रेस टू पावर 3/2 से ये टर्म आएगी, ये वाली टर्म भी क्या होगी, कैंसल कैंसल होके आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो आपको हाइट निकालनी है, तो एच रो जी इसके इक्वल आ गया 7 times प्री एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कितना, 10 meters ऑफ वाटर कॉलम, तो हम एच रो जी में क्या लगाएंगे, 10 × डेंसिटी ऑफ वाटर × जी, राइट, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर 10 meters ऑफ वाटर कॉलम है, तो 10 × ρ × g। तो सॉल्व करेंगे, यहां से रोजी और रोजी कैंसिल, यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 70। दिस इज द आंसर, नॉट फॉर एनसीईआरटी ऑब्वियसली, लग ही नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, हाइट मीटर में है, जिसमें मर्जी मीटर में आनी चाहिए वैसे, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, एक क्यूब है और क्यूब फ्लोट कर रहा है, ठीक है, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, और क्यूब की जो डेंसिटी है वो रो है और लिक्विड की डेंसिटी 2ρ है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्यूब को तो तैरना ही था। आपको बताना है कि क्यूब की कितनी हाइट लिक्विड में है, h बताना है। तो आर्किमिडीज क्या कहता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, एरिया क्यूब का क्या होता है, एल स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया, तो नीचे का पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, L × L × H। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 2ρ × g। होल वेट में टोटल वॉल्यूम कितना है, L × L × L × डेंसिटी ऑफ क्यूब × g। सॉल्व करेंगे तो हाइट क्या आएगी, L/2। शॉर्टकट सुनो, अगर क्यूब की डेंसिटी रो है और लिक्विड की 2ρ है, तो जब क्यूब तैरेगा तो डेंसिटी क्योंकि 2ρ है ना, तो ये h इज इक्वल टू L/2 हाइट इसका लिक्विड में रहेगा, और अगर ये डेंसिटी 3ρ होती तो h का आंसर L/3 आ जाता, अगर 4ρ होती L/4 आ जाता। तो आज के बाद अगर क्यूब तैरेगा और डेंसिटी से ही आपको आंसर पता लग जाएंगे कि हाइट जो है वो L/2 L/3 L/4 होगा। शॉर्टकट हो गया, क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, क्वेश्चन तो ये है, नॉट फॉर एनसीईआरटी अगेन। तो इसके अंदर एक क्यूब तैर रहा है, डेंसिटी रो है, नीचे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को टच भी नहीं कर रहा, स्प्रिंग यानी कि अनस्ट्रेच्ड है, कोई कंप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, डेंसिटी 2ρ है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इसकी डेंसिटी 2ρ है और ये रो है, तो ये कितना पोर्शन इसका लिक्विड में पड़ा हुआ है, L/2, लिख दें L/2। आपने क्या किया, एक वेट लिया, इसके ऊपर रख दिया और ऐसे रखा कि पूरा का पूरा क्यूब पानी के अंदर आ गया, ऐसे सरफेस के साथ टच, और इस चक्कर में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, अगर इसकी लेंथ L/2 थी और आपने L/2 और धक्का मार दिया, तो स्प्रिंग की कंप्रेशन कितनी है, L/2, और ये रेस्ट पे आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। आपको बताना है वेट आपने कितना रखा, तो वेट जो आपने रखा उसकी डायरेक्शन कहां कर रही है, नीचे, इसको कौन अपोज कर रहा है इक्विलिब्रियम में, एक तो अप थ्रस्ट और एक स्प्रिंग की फोर्स। तो W अगर निकालना है तो W विल बी इक्वल टू स्प्रिंग की फोर्स क्या है, K × L/2, और अप थ्रस्ट किसकी वजह से, L की वजह से नहीं, L/2 की वजह से। ऐसा क्यों, क्योंकि अप थ्रस्ट तो यहां भी लग रहा था जब स्प्रिंग जो कंप्रेस नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको L/2 डुबोया, डूबना नहीं चाहता था, तो ये जबरदस्ती अप थ्रस्ट क्रिएट हुआ, और जब आप इसे रिलीज कर दोगे तो पोजीशन यही आ जाएगी। इसलिए सिर्फ L/2 पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जो यहां पर एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट टू बी कंसिडर्ड, जो W वेट रखने की वजह से क्रिएट हुआ। तो W वेट रखने की वजह से L/2 अप थ्रस्ट है, तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, यानी कि वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, L × L एरिया L/2 डेंसिटी लिक्विड की 2ρ × g। तो इसको ऐड कर लेना, यहां से W की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि W की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम कैसे बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब फ्लोट कर रही है सच दैट इसका एरिया ए है और एल लेंथ इसका लिक्विड में है, आपने क्या किया, इसको टेढ़ा कर दिया, तो अब इसका एक्स पोर्शन लिक्विड में आ गया, आपने इसको रिलीज कर दिया, वापस आ गई ट्यूब। तो जब ये वापस आई, वापस आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगी होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है ये आपको बताना है कि कितनी फोर्स इसको, इस ट्यूब को वापस स्ट्रेट कर देगी, ठीक। अब एक बात बताओ, आपका काम है टेढ़ा करना, इसे छोड़ दिया, किसने सीधा किया, लिक्विड ने, लिक्विड ने क्या लगाया, अप थ्रस्ट, उठा के सीधा कर दिया। तो एक काम करो,
जब इसका एल पोर्शन लिक्विड में है और एक्स पोर्शन ये हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाय एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, एल बाय कॉस थीटा। तो रूल नंबर वन, जब ये सीरी थी तो अब थ्रस्ट कितना था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज ए इंटू एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, ये इनिशियल अब थ्रस्ट है। फाइनली अब थ्रस्ट क्या होगा, नया वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स नया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल बाई कॉस थीटा, तो ये नया अब थ्रस्ट है। अब एक बार बताओ कि जब ये अच्छा वाला यहाँ बैठा था पुराना अब थ्रस्ट है यू आई, अब नया अब थ्रस्ट है, नया इसलिए क्योंकि आपने इसको ज्यादा डुबो दिया तो अब थ्रस्ट ज्यादा लगेगा, तो अल्टीमेटली रॉड आएगी तो यहीं पर, तो चेंज इन अब थ्रस्ट कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जो भी चेंज इन अब थ्रस्ट होगा वो किसने लगाया, वो लिक्विड ने लगाया, और क्यों लगाया, क्योंकि आपने जबरदस्ती ट्यूब को टेढ़ा कर दिया था, तो आपका अब थ्रस्ट यू आई होना चाहिए था, तो जो कि क्या हो गया था यू एफ, तो यू एफ से यू आई जाने में चेंज इन जो अब थ्रस्ट होगा यही लिक्विड एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, और यही क्या कहलाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों को माइनस करके सिंप्लीफाई करना, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स।